शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी, गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। जी हाँ, यह दावा किया था जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा ने दावा किया था कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के पास किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी, वह महज हाई स्कूल पास थे। लेकिन अब उनके इस दावे पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि M.K. गांधी ने राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से मैट्रिक पास की थी, उसके बाद उन्होंने फिर से लंदन में मैट्रिक पास की, इसके बाद इनर टेंपल से लॉ की डिग्री हासिल की थी, साथ साथ उन्होंने 2 डिप्लोमा भी किए थे, एक डिप्लोमा लैटिन भाषा में और दूसरी फ्रेंच भाषा में, और ये सारी चीज़ें उनके आत्मकथा में दर्ज है। उक्त जानकारी देने के साथ ही तुषार गांधी ने यह भी कहा कि मैंने बापू की आत्मकथा की एक प्रति राजभवन जम्मू को इस उम्मीद के साथ भेज दी है कि अगर उप राज्यपाल पढ़ सकते हैं तो उन्हें इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। गौरतलब है कि मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में यह बयान दिया था कि महात्मा गांधी के पास लॉ की कोई डिग्री नहीं थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग प्रतिकार भी करेंगे, लेकिन मैं तथ्यों के साथ आगे बात करूंगा। उन्होंने कहा था, कौन कहेगा कि गांधी जी शिक्षित प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं थी। उनके पास बस एक हाई स्कूल डिप्लोमा था, लॉ प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने केवल क्वालिफाई किया था। उनको मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी, गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी।